distributor firm having experience of more than 30 years in equity market and its products. We are happy managing assets of more than 125 crores in mutual funds and shares, having satisfied 800 plus clients. We are certified mutual fund advisors registered from AMFI and business partner of Share Khan for shares trading and registered with SEBI and NSE. Our products are equity market trading and डीमेट अकाउंट्स थ्रू शेयर खान. हम लोग शेयर खान के फ्रेंचाइजी हैं, उसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस इक्विटी ट्रेडिंग की और डीमेट अकाउंट्स की. इसके अलावा जो हमारा कोर बिजनेस है वो है म्यूचुअल फंड्स और SIPs का, IPOs, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स. मैं आपका यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर. हम लोग जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें गोल बेस्ड प्लान देते हैं कि आपको कोई SIP करनी है या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका आपका एक गोल होना चाहिए. ये नहीं कि आपने बस एक SIP चालू कर दी या कोई इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, आपका कोई एम नहीं है कि कितने साल करनी है, क्या करनी है. तो हम आपको एक गोल बेस्ड प्रोग्राम देते हैं. वाई अस, वी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैविंग हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीम. We use our complete knowledge of equity market, its products, tax laws and mutual fund investment in order to suggest a tailor-made investment option. And what is tailor-made investment option? हम सभी का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट करने का गोल अलग अलग होता है. किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है 5 साल के लिए, किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है 2 साल के लिए और किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है आने वाले 20 साल के लिए. तो हम हर क्लाइंट के लिए एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं कि उसको कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट डेट मार्केट में करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट उसको डायरेक्ट शेयर्स में करना चाहिए. तो हर पर्सन के लिए अलग से एक टेलर मेड पोर्टफोलियो बनता है, वो हम लोग क्लाइंट को बनाकर देते हैं क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से. अब आवर कोर पर्पस इज टू प्रोवाइड फास्ट टेक फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड देयर बाय मेक पीपल एन्जॉय एंड सिक्योर रिटायरमेंट लाइफ. Our aim is making investment a joyful experience, making risk rewarding in long term and holistic family protection. आपको इन्वेस्टमेंट कई लोगों को होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें क्या करें, तो हमारा एम है एक जॉयफुल इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए. कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने में मजा आए, सिर्फ रिटर्न में नहीं इन्वेस्टमेंट करने में मजा आए. मैं 3 स्लाइड दिखाना चाहता हूँ आपको. वाले सप्ताह में हम पेरिस जा रहे हैं. आप रिटायर हो रहे हो तो इस पैसे को हमारे भावी जीवन के लिए बचाए रखें. मेरे प्रिय, मैंने पिछले 25 वर्षों से अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाई है हमारे लिए अद्भुत रिटायरमेंट जीवन का आनंद लेने के लिए. तो इसीलिए आपने हमेशा निवेश के रूप में कुछ पैसा अलग रखा और मुझे कहते रहे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है. यस डियर, अब चलो पेरिस जाने की तैयारी करते हैं. SIP के साथ आसानी से अपने रिटायरमेंट का निर्माण करें. अगर हम प्रति महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 25 वर्षों के लिए निवेश की गई कुल राशि 30 लाख है, जो केवल 12% CAGR रिटर्न के हिसाब से 1.7 करोड़ से अधिक हो सकती है. आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें. आ गए शॉपिंग करके, पैसों की तो कोई कदर ही नहीं है. जब देखो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो. अरे हमारे जमाने में तो, अरे पापा ये आपका जमाना थोड़ी है, ये तो नया जमाना है. जमाना नया हो या पुराना, पैसे हमेशा सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए. जानता हूँ डैड, इसीलिए मैं सेव भी करता हूँ और इन्वेस्ट भी, वो भी नए तरीके से. अच्छा वो कैसे? डैड मैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे मुझे रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न्स मिले. वाह बेटा, तुम तो सच में नए जमाने के निकले. म्यूचुअल फंड्स संग पाइए बेहतर रिटर्न्स.
कॉन्टेक्ट अस। नहीं एक और है, एक और नहीं नहीं थोड़ा वो आगे रिकॉर्डिंग थी। ओके 4 मिनट्स है। आप बात करो। नहीं एक और उसके बाद ही ओ हैंग हो गया। इसके बाद मेरी गिवन आस्क है इसी में इसी रहेगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हो मुझसे? अभी सिस्टम थोड़ा हैंग है इसलिए मुझे टाइम मिल रहा है आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए। कोई अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या आप लोग के कोई डाउट हो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड रिगार्डिंग। बिजनेस को SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे आपको है अभी मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज अगर नहीं है तो बेस्ट रहता है कि आप अपने फंड्स किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP में करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फंड मैनेजर, उसमें क्या होता है कि वो आपका कोई भी अमाउंट हो SIP के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 शेयर्स के बीच में कर रहा है, तो आपकी रिस्क कम हो जाती है। तो बिजनेस के लिए SIP इज़ द बेस्ट। वो आपको देखना है कि जो अमाउंट आपको एटलीस्ट 2-3 साल नहीं चाहिए वही अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आपकी कभी आपने इन्वेस्ट कर दिया मान लीजिए 10,000 रुपये या 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और आपको 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको विड्रॉ करना पड़े। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वही होना चाहिए जो आपको एटलीस्ट 2-3 साल नहीं चाहिए। रिटर्न जो जनरेट होता है वो 2-3 साल बाद ही एक्चुअल होता है। एनी अदर क्वेश्चन For Mr. गोल्ड बॉन्ड भी एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है और दोनों डिफरेंट मार्केट हैं। जैसे मान लीजिए आपका रियल इस्टेट है वो एक डिफरेंट मार्केट है, गोल्ड है वो एक डिफरेंट मार्केट है, इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिफरेंट मार्केट है। तो वो सबके सेगमेंट्स अलग अलग हैं, सबकी रिस्क अलग अलग है, सबके गेन अलग अलग हैं। और रिगार्डिंग जहाँ तक आपको लॉन्ग टर्म में अगर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इक्विटी मार्केट ने पिछले 20 साल के अंदर 19% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। गोल्ड ने भी रिटर्न दिया है अप्रॉक्सीमेटली 9-10% के 11% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने, पर इक्विटी मार्केट ने गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया है। रिटर्न आया था 20% में लगा है। हाँ आगे फ्यूचर के बारे में देखते हैं, क्या फ्यूचर में क्या उसका सिनेरियो है कि क्या बढ़ा? इसमें मैं आंसर देना चाहूँगा आपको। जैसे आप पहले और अब आज हम इंडिया को भी देखे तो डेवलपिंग कंट्री में है तो हर चीज बढ़ रही है। आगे की अनसर्टेनिटी के साथ हम क्या इक्विटी मार्केट ने जो रिटर्न दिया है पहले 20 सालों में और जो आने वाले टाइम में भी जिस प्रकार से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस प्रकार से इंडिया की ग्रोथ कर रही है, उस प्रकार से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिटर्न आने वाले टाइम में भी कायम रहेगा। मे भी हो सकता है टाइम बीइंग के लिए मार्केट घटे, जैसे अभी लास्ट टाइम या कोविड के चक्कर में हुआ था या और भी कोई रीज़न हो। जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं कि पिछले 20 साल में इतना दिया था तो क्या आगे इतना देगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि BSE का सेंसेक्स अभी चल रहा है 50,000, जब 15,000 था तब भी वो 100 से चालू हुआ था, 100 से बढ़ता 15,000 हुआ था। तो 15,000 पे भी लोगों ने सोचा था तो क्या उसने जो 100 से 15,000 हो गया है आगे बढ़ेगा, क्या वो 20,000 जाएगा, क्या वो 25,000 जाएगा? 25,000 में लोगों ने ये सोचा था कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, क्या वो 30,000 जाएगा? 35,000 हुआ तब लोगों ने सोचा कि हाँ इतना रिटर्न दिया था पहले, क्या आगे जाएगा? आज 50,000 है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले सालों में ये 70,000 भी क्रॉस करेगा। मेन बात है इंडिया, इंडिया की GDP, इंडिया का प्रोडक्शन और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का कंजम्पशन, ये इस चीज को आगे लेकर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। एक स्लाइड, हाँ लास्ट स्लाइड। ओके ये तो करना है राज जी आपके लिए। अच्छा टाइम आएगा।
मैक्स हो जाए। ओके सो गिव एंड आस्क की आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं इनके गिव्स मैं बाद में भी शेयर करूंगा। मिस्टर अनूप अग्रवाल डायरेक्टर स्पार्क इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह ये ग्रुप में भी हम शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में सो वहां आ जाएगा। इनकी आस्क है अपने नियर एंड डियर वंस को कनेक्ट करें जो रिटायरमेंट लाइफ या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। बस एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड आप किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एक पेपर कि शीट मिली होगी कहाँ है इसी बुक के अंदर एक शीट है। ओके सो ये इनकी आस्क है देख लीजिए जिसको नहीं मिला है प्लीज ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कुछ लोग आपसे पूछते हैं या कभी आपके साथ कंसल्ट करते हैं तो ये सिंपल चीजें हैं जो आप यहाँ पर आप मुझे रिफर कर सकते हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगा यहाँ प्रवीण सर का जिन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया और पिछले 10 साल से इन्होंने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मुझे दिया है और इसके लिए मैं सर थैंक यू करना चाहूँगा। डॉक्टर हितेश खुराना थैंक यू सर आपका बिजनेस में जाए गिरिजा मैम थैंक यू मैम अभिषेक जी थैंक यू राज जी थैंक यू और कुछ मेंबर्स और भी हैं जो अभी इस मीटिंग में नहीं हैं या फिर ऑलरेडी यहाँ से लेफ्ट कर चुके हैं या उन्नति विंग में हैं ऐसे कई मेंबर्स हैं जिन सभी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा और स्पेशली प्रगति परिवार का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। सिर्फ प्रगति परिवार उत्थान और उन्नति विंग ही नहीं मैं प्रगति पथिक का भी थैंक यू करना चाहूँगा जहाँ प्रवीण जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू सर एक सवाल प्रगति परिवार में आपके सक्सेसफुल होने का रीजन ये सारे जानना चाहते हैं आप इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर रहे हैं बेसिक्स क्या हैं। सर सबसे बड़ी चीज है विजिबिलिटी। आप लोग यहाँ पर हम लोग 50 मेंबर हैं उत्थान विंग के और मेरा प्रवीण जी से कई बार डिस्कशन होता है कि इसमें कई यहाँ पर मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग को पता ही नहीं होता है कि वो क्या बिजनेस करते हैं। आप लोग विजिबिलिटी अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से आप लोग विजिबिलिटी अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं डे वन से अपनी विजिबिलिटी बढ़ाता हूँ। कई बार मेरे जरूरत से ज़्यादा मैसेजेस डाल देता हूँ ग्रुप में इससे कम से कम लोगों को लेकिन पता रहता है कि सुनील शारदा क्या काम कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा उन्नति विंग का। मैं उन्नति विंग में भी पहले मेम्बर था। मैंने उन्नति विंग ज्वाइन करने के बाद 4th मीटिंग में उसमें जाना चालू किया था। कोई मुझे जानता नहीं था लेकिन सुनील शारदा कोई है ये लोग जानते थे। मैं सुनील शारदा हूँ ये नहीं जानते थे लेकिन सुनील शारदा कोई है जो दिन भर कम से कम 4-5 मैसेजेस सिस्टम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है कोई ना कोई चीज़ के बारे में कोई ना कोई अपडेट करता है लोग उसको जानते हैं सुनील शारदा को। ज़रूरी है कि हम मीटिंग में आएँ और उसके अलावा विजिबिलिटी ग्रुप के अंदर बढ़ाएँ। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। मैं बोलता ही हूँ लोगों को कंसल्टेंट पसंद है क्या आप कंसल्टेंट हैं या सेल्समैन हैं डिफरेंस सोचिए जो लोग कंसल्टेंट होते हैं।